हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस लेसन नंबर 6, विजुलाइजेशन ऑफ ए पार्टनर्स फर्म, पार्ट नंबर 14। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बार आई होप दैट इस लेसन में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 99%। पीछे भी इस लेसन से आता था लेकिन आपकी बार कन्फर्म्ड है क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है, तो इसलिए चांसेस इज द 99% द 8 मार्क क्वेश्चन आर द डिजिटलाइजेशन ऑफ ए पार्टनर फर्म्स। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपके सामने आ रही हैं और हर वीडियो आपकी कंसेप्ट क्लियर होता चल रहा है और कहाँ तक आपने करने हैं इस लेसन में मैं क्लियरिफाइड कर दूंगा। आज हम लेसन नंबर 24 की तरफ बढ़ रहे हैं। 23 मैंने नहीं करवाया है, ये आप खुद करेंगे। और 24th इलस्ट्रेशन देखिए क्या है। 24th इलस्ट्रेशन ऐसा है जिसमें सबसे पहले, अब तक तो डियर स्टूडेंट्स आप बैलेंस शीट ही बनाते थे, अब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लेसन नंबर जो आपका सेकंड स्टार्ट हुआ था जिसमें आपने पढ़ा था P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस क्वेश्चन के अंदर ये भी बनाया जा रहा है। पहले ये बनाएंगे फिर कैपिटल है उसके अंदर बैलेंस शीट में ही ट्रीटमेंट कर देंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू रूल P&L अप्रोप्रिएशन बनता है, फिर कैपिटल बनती है, फिर बैलेंस शीट बनती है। तो P&L अप्रोप्रिएशन का जो भी होगा हम बैलेंस शीट में ही उसको क्लैरिफाइड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन, फिर बैलेंस शीट, फिर उसके बाद रियलाइजेशन बनाएगा, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर उसका बैंक। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस क्वेश्चन में सब कुछ आ रहा है। ABC पार्टनर है 1 अप्रैल 2017। देखिए 1 अप्रैल 2017 को दे रखा है, तो 17 और 18 हमारा सेशन है जिसके अंदर 31 मार्च 2018 को इन्होंने अपना P&L अप्रोप्रिएशन, क्योंकि 31 मार्च 2018 को फर्म डिजोल्व हुई है तो उससे पहले बनाया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाई प्रॉफिट एंड लॉस, दिस साइड द पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट इन रुपीस एंड अमाउंट इन रुपीस एंड पर्टिकुलर रुपीस P&L अप्रोप्रिएशन। देखिए क्या क्या है, सबसे पहले उनका प्रॉफिट दे रखा है 39,600 रुपये, 39,600, और ये प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है वो आपकी परसेंटेज गिवन है और 10% के हिसाब से, और उनकी कैपिटल जो गिवन कर रखी है 48,000, 32,000, 16,000, तो 4,800, 3,200 और 1,600, 0,6,5,8,9,600 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी एच सी इज कैपिटल 30,000 रुपये। रेशो क्या है उनका, 3:1 का रेशो है, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये जोड़ आ रहे हैं 39,600। तो वेरी सिंपलिसिटी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये होने के बाद हमने बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट पहले, क्योंकि विदाउट ए बैलेंस शीट, बिना बार बार कह रहे बैलेंस शीट में फर्म डिजोल्व नहीं होगी, तो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसके बाद फर्म को डिजोल्व करेंगे, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट पहला नेसेसरी अकाउंट। देखिए बैलेंस शीट क्या है, ये वो बैलेंस शीट है जो आपने 11th में पढ़ी थी। देखो कैसे, ए पार्टनर है, ए की कैपिटल 48,000, उसका इंटरेस्ट जोड़ दो 4,800, उसका प्रॉफिट जोड़ दो 15,000, उसकी ड्राइंग हटा दो, कितने ड्राइंग की है देखो, उसने जो ड्राइंग की है वो 10,000 रुपये की है, इसका जोड़ आ रहा है 67,800, इसमें से 15,000 ड्राइंग के घटा दिए, 0,825,52,800, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ द ए। अब चलते हैं बी के पास, बी की कैपिटल क्या है 32,000, इंटरेस्ट कितना है 3,200, प्रॉफिट कितना है 10,000, 45,200, लेस ड्राइंग्स, इसकी ड्राइंग है 7,500, 37,700, थर्ड कैंडिडेट सी, उसकी कैपिटल कितने हैं 16,000, एड प्रो इंटरेस्ट 1,600, एड 5,000, कितना आ गया 22,600,
इसकी ड्राइंग कितनी है? 6000, 16600। और डे स्टूडेंट्स, इनके पास क्या है? क्रेडिटर और एज लोन। क्रेडिटर है 50000 के, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, क्रेडिटर 50000 एंड एज लोन, इन्हें लोन दे रखा है वो है 5000 रुपये। अभी इनका जोड़ कर दिया, ये जोड़ आ रहा है इनका 1,67,100। और डे स्टूडेंट इधर कुछ नहीं दे रखा, तो क्या आता है मिसिंग फिगर? सन्ड्री एसेट्स 1,67,100। ओके स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट सो इजीली आपने बना दी। बैलेंस शीट में क्या लिखा? क्रेडिटर लोन उनकी कैपिटल, कैपिटल सीधी नहीं दे रखी थी क्योंकि उनको क्या मिल रहा था? कैपिटल प्लस इंटरेस्ट मिल रहा था, प्लस प्रॉफिट जोड़ देंगे, ड्राइंग्स घटा देंगे। एक किस्म से डे स्टूडेंट्स ये कैपिटल अकाउंट ही बन गया। कैपिटल अकाउंट होता क्या है? ये क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड में, ये डेबिट में, क्रेडिट वाले एक जोड़ दिए, ये घटा दिया। तो पी एंड एफ प्रिपरेशन कैपिटल बना के सीधा डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बैलेंस शीट में आप सीधा भी दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए रियलाइजेशन कैसे बनेगा। लवी रियलाइजेशन, डियर स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन में दिस इज द पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स 1,67,100 बाई क्रेडिटर 50000। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एसेट्स आर रियलाइज्ड, एसेट्स को जब बेचा गया तो 1,20,000 रुपये मिला। टू कैश, क्रेडिटर की पेमेंट होगी, 50 वालों को 50 देना है, तो इन्होंने क्या रखा है? कहता है क्रेडिटर जो है वो 36,000 रुपये, इन्हें कहा कि क्रेडिटर की पेमेंट मैं करूँगा, कितने वाले को? 40 वालों को 36 दूंगा मैं, चलो भाई दे देना। टू एज कैपिटल 40 वालों को 36 दूंगा, तो बाकी कितने बच गए फिर? 50 में 40 10,000 वालों की पेमेंट कैसे हुई? कहते 10,000 की जो पेमेंट होगी 5% कम पे होगी, डिस्काउंट पे। 10,000 का 500 होता है, तो 95 रुपये हमने नगद दे दिए। ये तो दोनों क्रेडिटर की पेमेंट। उसके बाद एक लायबिलिटी थी जो नहीं थी, उसमें नहीं लिखी हुई थी बैलेंस शीट में, उसकी पेमेंट की गई 12,000 की। मतलब इस साइड का जोड़ ज़्यादा आ गया, इस साइड में कम है, इस साइड का जोड़ आ रहा है 2,24,600। फर्म लॉस में चलेगी, लॉस किसको देंगे? एक को, बी को, सी को, 3-2-1 में, एक 2,24,600, इसमें से 1,70 घटा देंगे तो लॉस कितना आ रहा है? 54,600। किसको दे देंगे? ए, बी और सी, रेशो 3:6, 2:6, 27,300। उसके बाद 18,200, 9,100। ओके स्टूडेंट, तो ये था इनका लॉस, रियलाइजेशन बन गया। इन्हें लोन दे रखा था, ए पार्टनर है, चलो जी उसका लोन अकाउंट बनाओ। लोन अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए, एज लोन अकाउंट, वेरी सिंपलिसिटी, बाई बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। टू कैश अकाउंट, 5,000 दे दीजिए, खाता क्लोज। लोन अकाउंट में ओनली वन। उसके बाद बनाना है हमने आगे क्या कह रखा है, ए का लोन अकाउंट, अब बनाना है हमने कैपिटल और उसके बाद कैश। लो भी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में क्या क्या आएगा डी स्टूडेंट्स? जो भी उनको मिला वो क्रेडिट में, जो उनसे लेना है वो डेबिट में। ए, बी और सी, ए, बी और सी, बाई बैलेंस बी डी। ए की कैपिटल कितनी थी? 57,800। दूसरे की कितनी थी? 37,700, 57,800, 37,700,
और लास्ट कैंडिडेट कैपिटल थी 16,600 अब क्या क्या मिला उनको देखो ए ने इधर लिखा था ए, तो यहाँ लिखना रियलाइजेशन, ए ने टेकन किया था स्टॉक क्रेडिट सॉरी पेमेंट की थी 36,000 की, टू रियलाइजेशन का लॉस कितना लॉस हुआ था 27,300 18,200 और 9,100 इधर का ज़्यादा है तो यहाँ लिख देंगे टू कैश, इधर का ज़्यादा उधर कम है तो लिख देंगे बाय कैश। लो भी सारी साइड वही ज़्यादा थी, ये जोड़ आया 93,800, ये जोड़ आ रहा है 37,700 और ये जोड़ आ रहा है 16,600, इसमें से ये घटा देंगे तो पेमेंट हो रही है 66,500 रुपये की, 66,500 की, तो ये जोड़ होगा 93,800, इसमें से ये घटा देंगे तो 519,500, इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आ रहा है जो देखे 7,500, 16,600 उसके बाद 37,700। ओके स्टूडेंट, द सिंपली कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, लास्ट में आपका कैश, कैश के बारे में क्या बोल रखा है, वेरी सिंपली कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। आपके पास कैश कहाँ कहाँ आया, ऊपर लिखा कैश अकाउंट पर्टिकुलर, दिस इज द अमाउंट इज द रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। देखो आपके पास पहले कैश था रियलाइजेशन से, क्योंकि बैलेंस शीट में तो कैश था नहीं, रियलाइजेशन से कितना मिला 1,20,000। आपने दिया क्या बाय रियलाइजेशन, आपने 9,500 तो दिए क्रेडिटर की, बाय रियलाइजेशन 12,000 रुपए की थी, बाय एज लोन कितना दिया 5,000 और उसके बाद एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, एबीसी कैपिटल की पेमेंट कितनी हुई आपकी 66,500 19,500 और लास्ट वाले की शायद 9,500 7,500। जोड़ बराबर आए तो आपका सवाल ठीक है नहीं गलत है, 1,20,000 1,20,000 5×20 2 2 11 13 5 8 24 23 37 40 4×5 11 12 बिल्कुल राइट। तो ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। एक क्वेश्चन और देखिए, अब लेसन नंबर 25 देखिए, 25 क्या है, ट्वेंटी फाइव में क्या बनवा रखा है डियर स्टूडेंट्स, जब डिजोल्यूशन होगा तो हमें फर्म की बैलेंस शीट चाहिए। इसमें क्या है कि फर्म की जो स्टार्टिंग है जो है वो 1/4/2016 को है, नोट करना 1/4/2016 को फर्म शुरू हुई थी, 16/17 में चली, 2017 और 2018 में फर्म का जो डिजोल हुआ 31 मार्च 2018 को हुआ। तो जो हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा 2018 तक का बनेगा, क्योंकि फर्म को फिर बता रहा हूँ कब डिजोल्व कर रहे हैं 2018 में। चलो तो हम पहले 16-17 की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर 17-18 की बनाएंगे, फिर उसके बाद 31 मार्च को हम बैलेंस शीट बना देंगे। चलो तो 31 मार्च 2018 को आप बैलेंस शीट बनाएंगे, उससे पहले देखिए क्या है कैपिटल अकाउंट, लो भी कैपिटल, टेल टू यहाँ तक दे दिए, पार्टनर कौन कौन है ए बी और सी पर्टिकुलर ए बी और सी, बाई बैंक, बैंक क्यों लिखा क्योंकि बिजनेस सेटल स्टार्ट है, कितना रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया 60,000 और 40,000, जो स्टूडेंट केवल दो ही पार्टनर हैं, चलो जी इसको रिमूव कर लेते हैं, दो ही पार्टनर थे, एक की कैपिटल है 60,000 रुपये और दूसरे की है 40,000। उसके बाद 17 में उनका जो प्रॉफिट था
कैरिड ऑन द बिजनेस एंड द बाइन प्रॉफिट 50,000, उनका प्रॉफिट था 50,000 और रेशियो था उनका 2:3:2, तो पी एंड एल इनको दे दिया, खर्चा उनका था नहीं, 30,000 इसको दे दिया और 20,000 इसको दे दिए। 2 ड्राइंग्स उस साल उन्होंने जो ड्राइंग की थी वो की थी 8,000 8,000। कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 2 बैलेंस CD। यही सीडी अगले साल क्या बन जाएगी? BD। 60 और 30 कितने हो गए? 90,000। 40 और 20 कितने हो गए? 60,000। 90 में 8 गए तो 82,000 और 60 में 8 गए तो 52,000। मतलब एक एक साइड की तो बन गई एक साल की। अब ये तो थी 16-17 की, अब 17-18 की, यही बैलेंस क्या हो जाएंगे? बाई बैलेंस BD 82,000 and 52,000। फिर प्रॉफिट दूसरे साल कमाया, दूसरे साल प्रॉफिट की जगह डियर स्टूडेंट उनको लॉस हुआ, और लॉस कभी भी इधर नहीं आता है, लॉस आता है इधर, 2 प्रॉफिट एंड लॉस। उनको 20,000 का लॉस हुआ, 20,000 का लॉस हुआ तो 12,000 इसके हिस्से में आ गए और 8,000 इसके में आ गए। ड्राइंग सेम थी, पिछले साल भी 8,000 थी, इस साल भी 8,000 है। तो 2 बैलेंस CD जो कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। कितना अमाउंट? 82 में से 20 घटा दो तो 62,000, 52 में से 16 घटा दो 36,000, ये कहाँ जाएंगे डियर स्टूडेंट? बैलेंस शीट में। आई होप दैट कैपिटल अकाउंट बहुत ईजियर आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होगी। सिंपलिसिटी लेसन नंबर 2 का वेरी ईजीली पॉइंट है। स्टार्टिंग P&L मिला, टोटल कर दिया, ड्राइंग घटा दिया, बैलेंस आ गया, बैलेंस यहाँ चला गया, फर्म प्रॉफिट की जगह लॉस में चलेगी, इधर भाग गया और ड्राइंग्स आर द सेम। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में उनकी कैपिटल कितनी आई थी? 62,000 और 36,000। हियर द बैलेंस शीट एज एट, लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स एंड ऑल्सो अमाउंट इन द रुपीज। कैपिटल ए की बी की 62,000 और 36,000, 98,000। उस दिन क्या कोई मांगने वाला था क्रेडिटर वगैरह? यस, क्रेडिटर थे इनके पास 20,000 के। 8, 9, 2, 11 इधर कुछ नहीं दे रखा है तो क्या आता है? सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर 1,18,000। तो डियर स्टूडेंट्स ये होगा 1,18,000, यहाँ तक क्लियर होगा? इस सवाल में मात्र रियलाइजेशन अकाउंट बनवा रखे हैं, ओनली रियलाइजेशन। जितना रीड क्वेश्चन थ्रो ली जितना बनवाए वही बना के आना, अपनी तरफ से खुद नहीं बनाना है कुछ भी। देखिए बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन देखो, सबसे पहले क्या लिखते हो? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, दिस साइड इज द डेबिट और दिस साइड क्रेडिट। 2 सडरी एसेट्स, एसेट्स कितने? 1,18,000। बाई क्रेडिटर थे, कितना अमाउंट था क्रेडिटर का? डिस्ट्रे क्रेडिटर थे 20,000। कहते हैं एसेट्स जो बेची उससे पैसा मिला, और कितना पैसा मिला इनको? बाई बैंक रुपया मिला एसेट्स रिलाइज का 1,00,000 रुपये। इसकी पेमेंट करनी है, क्या दे रखा है? देखिए कुछ नहीं दे रखा है तो सीधा टू बैंक, पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर 20,000। एक एक्सपेंसेस और दे रखे रियलाइजेशन 3,000 रुपये के, टू बैंक एक्सपेंसेस रियलाइजेशन 3,000। आप डियर स्टूडेंट देखो इसका जोड़ 1,20,000 आ रहा है, इधर तो ज़्यादा है, 20 और 18 38 3 41 1,41,000। 1,41 में 20 जाएंगे तो बाई लॉस कितना आ रहा है? 21,000। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट तो लॉस हुआ था रियलाइजेशन ए को और बी को, 3/3/5 और 2/2 21,000 का देंगे तो 21 से मारा है 12,600 और 21 में 8,400, 3/5 2/5। ओके स्टूडेंट्स, दिस टोटल इज द 1,41,000।
टोटल हमेशा आमने सामने आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना टोटल जब भी करें किसी भी संख्या का वो बिल्कुल आमने सामने जाना चाहिए, चाहे वो ऊपर आइटम कम हो या ज़्यादा हो, इन एवरी टाइम। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप दैट दोनों इलस्ट्रेशन बहुत से समझ में आ गएंगे। अब चलिए अपने होमवर्क की तरफ। डे स्टूडेंट, टू डेज होमवर्क, होमवर्क आपका बार बार मैं बता रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 1-2 आज 25 तक करवाए हैं, तो 25 तक आपने प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं, और एक्सरसाइज रिगार्डिंग ऑफ दिस 1-25 आल्सो इन द फेयर नोटबुक। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव अ गुड डे।